Hello students, good morning. Today I am going to teach you the hexadecimal number system. The hexadecimal number system, as you know, has a base of 60. The hexadecimal number system has a base of 60. The hexadecimal number system has a base of 60. So the hexadecimal number system has a base of 16. In this system, ten digits from 0 to 9 and 6 digits and other 6 digits from 8 to F are used. So in the hexadecimal number system, we use 16 digits. All 16 digits are comprised of from 0 to 9. Decimal number 0 to 9 होता है, उसमें हम लोग 0 to 9 यूज करते हैं, and other 6 digits from A to F. So the 15 number used in hexadecimal number system has F value. So now further we should see how we are able to convert the hexadecimal number system to decimal number system. जैसे हम लोग for example कहते हैं, for example 7, 6, 4 is a 7, 6, 4 is a valid. For example, 7, 6, 4 is a valid hexadecimal number. Is a valid hexadecimal number. Valid hexadecimal number. 7, 6, 4 जो है आप देख पा रहे हैं, ये valid hexadecimal number system है. इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में. तो इसको हम लोग आगे से देखने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. कैसे हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका बेस 16 है, उसको हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं. आप उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से. हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी एक हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. 3 8 हेक्साडेसिमल ये नंबर है 16, इसका बेस 16. इसको आप इक्विवेलेंट डेसिमल बनाइए, बेस 10 को यहाँ लिखते हैं. तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप पहले देखिए, समझिए. इसमें हम लोग सबसे पहले आप नंबर का पोजिशन देखिए. उसके बाद जो है वेट, यानी बेस, इसका वेट है. और इसका वेट देखिए. उसके बाद जो है इसका फेस वैल्यू क्या होगा,
आप समझिए इस दिन, और उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास तो दो ही नंबर है, एक प्लेस वैल्यू जो है आपका दो है, तो दो भाग में इसको हमने बांट दिया। एक हमारे पास जो नंबर है वो थ्री है और दूसरा एक नंबर जो है ए। इसका पोजीशन हम लोग राइट से है हमेशा, वो बाइनरी में भी हम लोग किए थे और हम लोग जो है आपका डेसिमल में भी किए थे, हेक्सा डेसिमल नंबर में भी उसी तरह से करेंगे। तो पोजीशन यहाँ दो नंबर है, जैसे 764 लिखा था उसमें तीन नंबर था, तो यहाँ पर पोजीशन इसका जीरो है और ये वन, क्योंकि नंबर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू नाइन एंड अगेन फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पर जो नंबर है आपका फर्स्ट पोजिशन में जो है आपका जीरो है, सेकंड पोजीशन में जो हुआ ये जीरो के सामने ए है और वन पोजीशन में थ्री। उसके बाद जो है हम लोग इसका बेस पोजीशन देखते हैं, वेट। वेट यानी इसका क्या होगा, बेस पोजीशन, जिसको हम कह रहे हैं बेस पोजीशन, बेस पोजीशन। तो बेस पोजीशन में जैसे ये जो नंबर है 16, इसका बेस होगा क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है, तो 16 का पावर जीरो, क्योंकि इसका बेस के पास यहाँ पर ये जीरो पोजीशन हो, इज इक्वल टू वन होगा। ये आपको पता है, जैसा हमने पहले भी बताया था कि 2 का पावर जीरो इक्वल टू वन, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। किसी का भी पावर अगर हम लगाएंगे 10 का पावर जीरो यानी वन, उसी तरह 16 का पावर जीरो मीन्स इट विल बी इक्वल टू वन। और यहाँ जो पोजीशन है वो 16 बेस रहेगा, इसका पोजीशन जो है वो 1 है, 16 का पावर 1 इक्वल टू 16 ये हो जाएगा, ये आपको पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करें आप जरा समझिए। ये तो आपका बेस पोजीशन हो गया, अब इसके कारण जो है हम लोग यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे ये नंबर को आप देखिए, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, बहुत आसान तरीका है। मेरे पास जो नंबर है 3a है, तो हम 3 इंटू 16 करेंगे, जैसे हम लोग बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि उसका बेस 2 था, डेसिमल में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 10 से क्योंकि उसका बेस 10 था, उसी तरह हम लोग ऑक्टल में मल्टीप्लाई करते थे 8 से क्योंकि उसका बेस 8 था, उसी तरह हम लोग हेक्साडेसिमल में मल्टीप्लाई करेंगे 16 से क्योंकि इसका बेस 16 है। पोजीशन कितना है आप याद देख रहे हैं, 1, क्योंकि इसका 1 में पोजीशन है, 16 इंटू 1 प्लस, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, ये नंबर एक साथ मिल के बन। अब आ जाएगा आपको ए, तो ए के लिए आपको पता है कि हम लेते हैं कितना, ये आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पहले भी हमने शुरू में स्टार्टिंग में लिखा कि इट कंप्राइजेज ऑफ 9 डिजिट्स जो है वो 0 से 9 तक, जो 10 डिजिट्स, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हुआ, एंड द लेटर्स फ्रॉम एंड फ्रॉम ए टू एफ आर यूज उसमें करते हैं। तो फिर अगला ए है, तो ये हो गया 10 का, बी जो है आपका हो गया 11 का, और सी हो गया आपका 12 का, डी हो गया आपका 13 का, ई हो गया आपका 14 का, और एफ हो गया आपका 15 का। तो हम लोग के पास ए है, यहां पर ए नंबर के लिए दिया है, तो ए के लिए हम क्या लगाएंगे 10, तो यहां पर हम यहां लिखेंगे 10 इंटू 16 का पावर 0, क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो 0 पर ये नंबर, तो हम लोग उसको वहीं पर लिखेंगे। तो आप ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 16 का पावर 1 तो हो जाएगा 16, और प्लस 10 इंटू 16 का पावर जो है वो 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 16 का पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। किसी का पावर 0 लगेगा तो उसका 1 वैल्यू हो जाएगा, तो हम लोग उसको 1 कर दिया। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको हो जाएगा 63 या 48, और ये 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए तो
ये बन जाएगा 58 और यही आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो द 3A ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर का इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 58 और यहाँ पर आप फिर लिखेंगे क्योंकि इसका बेस पेयर है, ये पता चलेगा ये डेसिमल है और ये हेक्साडेसिमल। इन दिस वे वी आर एबल टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर अ वेरी इजी वे। यू हैव टू पोजीशन द फर्स्ट नंबर एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 16 विद द बेस। तो बेस उसमें जितना नंबर जैसे यहां पर 1 है यहां पर 0 है 01 तीन डिजिट होगा तो 012 आ जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। हम लोग भी अब आगे जो है एक और आप देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे जो है हमारा बन रहा है और किस तरह से वो हमको बनेगा। जैसे आप लोग का एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बहुत सारा है तो उसको आप लोग अपने से भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप सभी को जैसा हमने पहले भी कहा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बट यू हैव टू बिकम वेरी एक्टिव इफ यू वॉन्ट अ क्लियर कट कंसेप्शन इन योर माइंड देन यू कैन कंसल्ट योर टीचर। Teacher always welcome the students. So you must have to consult your teacher. If you face any problem, then hesitantly you can ask your teacher. Teacher always welcome you. हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए I am always ready. और जब कभी भी आप question पूछेंगे आप video calling कर सकते हैं, WhatsApp से पूछ सकते हैं, आप calling भी कर सकते हैं, audio भी पूछ सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको इसके दौरान इतना बताने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी वेयर। तो अभी तो पैंडेमिक है COVID-19 के कारण हम लोग ऑनलाइन के जरिए ही बात कर सकते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। तो 8A के भी स्टूडेंट्स हैं, 8B के स्टूडेंट्स हैं, 8C के स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है। बट यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी, यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। आप अब बड़े हो गए हैं तो आप अपना एक्सरसाइज अपने भी बना सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अभी हम आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें है 1AB। तो एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है 1AB, तो 1AB को हम सॉल्व करते हैं। होप अगर इस बार आप और अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसको आप देखिए कि हम लोग 1AB को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पोजीशन तो ये रहने देते हैं हम, खाली क्वेश्चन आपका बदल देते हैं। सॉल्यूशन फिर हम लोग करके देखते हैं क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट कितना आता है। तो आपको सिर्फ जो है यहां पर जो है आपको 1 तो ये रह जाएगा, यहां पर आपका ए हो जाएगा और यहां पर एक और आपका कॉलम आ जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे बी। यहां पर एक और कॉलम आएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1AB इज इक्विवेलेंट टू आपको कितना आता है डेसिमल ये बताना है। तो तीन डिजिट इसमें आप है पोजीशन देख रहे हैं, इसका पोजीशन जो आप देख रहे हैं ये 0 है, इसका पोजीशन जो है वो 1 है और इसका पोजीशन 2 है। तो 0 1 2 बिकॉज देयर आर 3 नंबर, तो 3 नंबर होने के कारण यहाँ पर आपको जो है 0 और 1 और 2 ये पोजीशन आ गया। तो पोजीशन आपका यहाँ पर ये जो है 1AB जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका डेसिमल हमको कन्वर्ट कर। तो हाउ कैन वी डू, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका पोजीशन देखें 0 1 2 है। तो पोजीशन आप जो है इसको पहले कर लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये 0 है, ये 1 का हो गया और क्योंकि हमको 3 डिजिट यहाँ दिया है तो ये पोजीशन हो जाएगा 2। पोजीशन ये हो गया 0 1 2। अब क्योंकि ये 16 का पावर 2 होगा क्योंकि इसका पोजीशन 2 पर है तो इसका हमने पावर 2 लगाई। उसके बाद ये 16 का पावर 1 है यहाँ तो आपको तो 1 लगाना होगा और ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर जो डिजिट है वो आपका 16 का पावर 0 होगा और ये 1 होगा, ये आपको पता है। नाउ आप क्वेश्चन का जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो आप लिखिए फेस
फेस वैल्यू यहाँ ए है और फेस वैल्यू यहाँ डी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको सॉल्व कैसे करना है ये हम यहाँ पर आपको इस जगह तक हम यहाँ तक आपको स्क्रीन आएगा तो आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ से हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1AB, ठीक है ये 1AB, तो हम 1 को तो लिख देंगे, इसका पोजीशन 0, 1, 2 है, तो 16 का पावर 2 लगाएंगे, यहाँ भी आपको लिखा हुआ प्लस, प्लस का साइन हमको देते हैं, इसका ए है, तो ए के लिए हमने आपको बताया कि इट विल बिकम 10, हेक्साडेसिमल नंबर में हमको ये 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, 10 इंटू 16 का पावर ए कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 का पोजीशन है 0, 1 और 2, फिर प्लस उधर में लिख रहे हैं आपका कट सकता है, इसलिए आप यहाँ पर देखिए 16, अब ये बी आ जाएगा, 1 का तो हो गया इनटू 16 का पावर 2 क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर था, प्लस ए के लिए हम लोग 10 लिखते हैं क्योंकि 9 तक तो आपका हो गया 10 नंबर और ए हो गया 10वां नंबर, 9 के बाद 10वां, 10, 11 बी हो, तो बी के लिए हम लोग लिखेंगे 11 इनटू 16 का पावर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 इंटू 16 का पावर स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 8 क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, 16 इंटू 16 15 होता है, 16 256 होगा, तो 256 आप कीजिए, 256 इंटू, तो 1 इंटू 16 का पावर 2 इंटू 256 प्लस 10 इंटू 16 का पावर 1, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 16 का पावर 1 यानी ये 0 यानी 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 256 इंटू 1 256 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा, तो 10 पूरे 16 आपको करना है तो 160 ये हो जाएगा, प्लस ये 11 रह जाएगा क्योंकि 11 इंटू 1 11 हो गया, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6 और 1 7 दिया गया आपका, और यहाँ सॉरी नहीं 6 और 1 7 था आ जाएगा, फिर 6 और 1 7 और 5 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी करेगा 2 1 3 और 1 4 427 ही आ जाएगा, भैया अगर कैलकुलेट फिक्स हुआ तो याद कर दीजिए 256 107 और 1 1 1 11, तो 6 और 1 7 4 4 2 3 और 1 4 427, 427 इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होगा, यू विल राइट हियर 427 द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो इस तरह से आपको आसानी से आप कर सकते हैं। एक और नंबर है जो हम आपको करके बता रहे हैं कि आप देखिए एक्सरसाइज का ही है, तो एक और नंबर आप समझने का प्रयास कीजिए जिसको हम लोग आपको समझा देते हैं, मतलब आप उसको आसानी से कर पा रहे होंगे, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है तो आप समझिए, थोड़ा इधर हम बताते हैं आपको, जैसे आपको पता हो गया कि एफ जो है वो 15 नंबर पर लास्ट नंबर है, तो एफ एफ करके आपको दिया एफ एफ, ये हेक्सा डेसिमल नंबर है, इसका आपको इक्विवेलेंट डेसिमल बनाना, तो पोजीशन आप देख लीजिए एक और एफ का, तो ये तो 0 है ये 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एफ के लिए 15, इस एफ के लिए भी 15, तो 15 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 15 इंटू 16 का पावर 0 क्योंकि ये 0 पोजीशन,
अब इसको आप 15 इंटू 16 करेंगे, क्योंकि 16 का पावर 1 16 होगा, प्लस 15 इंटू 16 का पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 मिली 1, वो 1 हो जाएगा। किसी का पावर 0 आप लगाए रहे तो 1 हो जाएगा, आपको पहले भी पता है 2 का पावर 0 इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम लोग करेंगे, और आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर 15 और 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 240 प्लस 15, इसको ऐड कर दीजिए तो 255 भी आपका डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट हो गया, 255 विल बी योर डेसिमल नंबर। ठीक है, इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, कंप्लीट योर एक्सरसाइज। थैंक यू।